YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन में पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ। शालीमार गार्डन में दरोगा दिनेश सिंह और उनकी टीम शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर उन पर हमला हो गया, जिसमें दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही आपको बता दें, पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई में जुट गई है। तो पुलिस कर्मियों पर हमला हो गया। शराब माफियों को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी और इस दौरान उन पर हमला हो गया। दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच उनकी तरफ से शुरू कर दी गई है। पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि ये पुलिसकर्मी शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए गए थे, जहां पर इस दौरान हमला उन पर कर दिया गया और जिसके बाद दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हो गए, जिसके बाद अब उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता गाजियाबाद से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है पुलिस कर्मियों को, फिलहाल उनकी हालत कैसी है? मैम, अभी जैसे कि जो पुलिस के सर में ज्यादा चोट आई थी, इसलिए उनकी स्थिति गंभीर थी। फिलहाल अभी वो स्थिति उनकी सही है। जितेंद्र, क्या हुआ था, पूरा मामला क्या था? वो शराब माफियाओं को पकड़ने गए थे, क्या किसी गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई? मैम, ये जो है पुलिस वालों ने अपने सूत्रों के आधार पर ये कार्रवाई की थी और सादी वर्दी में पहुंचे करने के लिए छान, जैसे ही वहाँ शराब माफियाओं को पता पड़ता है कि पुलिस आई है, पुलिस है, तो उसी के साथ वो हमला कर देते हैं। इसमें बचाव में पुलिस ने काफी प्रयास तो किया, लेकिन शराब माफियाओं की जो ज्यादा जिस वजह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए।